हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPSI में जो कैंडिडेटों ने स्कैम किया था उनकी लिस्ट जो है डिपार्टमेंट ने जारी कर दी है, और लिस्ट के अंदर करीबन 57 कैंडिडेटों के रोल नंबर और नाम वगैरह दिए हुए हैं। उस लिस्ट के बारे में भी हम देखेंगे, ऑफिशियल लिस्ट है वो, और इस भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो ये आपका नोटिस है, पहले आप नोटिस देख लीजिए। नोटिस के अंदर इन्होंने बताया है कि ये जो कैंडिडेट हैं, ये आपकी भर्ती का नाम है और ये नोटिस डेट है 13 मई को ही आई है, और ये उनके पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर्स नेम, और ये उनका पता, ये लिखा हुआ है सब। और ये टोटल कितने कैंडिडेट हैं ये आप देख सकते हैं, 57 कैंडिडेट हैं। ये 57 कैंडिडेट हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इन 57 कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया गया है। अब परीक्षा में ये पात्रता नहीं रखते हैं तो इनको तो हटा ही दिया गया है। कट ऑफ जो हाई गई है UPSI की, वो कट ऑफ सबको चौंकाने वाली इसलिए ही गई है कि करीबन 40% कैंडिडेटों के जो मार्क्स हैं वो 130 प्लस हैं, और 130 प्लस मार्क्स का मतलब बनता है कि आपकी कट ऑफ जो है वो हाई जानी ही जानी है, वरना एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से जो कट ऑफ डिसाइड की गई थी वो 110 के आसपास थी, लेकिन जो कट ऑफ एक्चुअल में लगी थी वो 121 क्वेश्चन राइट पर आपकी कट ऑफ लगी थी। वहीं पर अगर पिछले ईयर की बात करते हैं तो पिछले ईयर से 60 या 50 नंबर ज़्यादा पर जो है कट ऑफ लगी है। तो इसका जो रीज़न है वो यही है कि आपके जो इस बार के कैंडिडेट हैं उन्होंने ज़्यादा मार्क्स अचीव किए हैं। वो कैसे किए हैं, अब इन 57 कैंडिडेट की तरह ही अचीव किए हैं, या फिर कुछ तो खैर लॉयल कैंडिडेट होंगे जिन्होंने तैयारी अच्छी की होगी तो उन्होंने मार्क्स अच्छे लाए हैं, लेकिन ये 57 कैंडिडेट जो हैं, और भी ज़्यादा कैंडिडेट अभी आ सकते हैं पकड़ में अगर होंगे तो, वरना तो ये 57 कैंडिडेट ही आपके पकड़ ली गए हैं। और अगर मैं बात करता हूँ भर्ती प्रोसेस के बारे में, जो रनिंग लिस्ट है वो आपकी कब तक आ जाएगी, तो रनिंग लिस्ट आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो DVPST चल रहे हैं उनकी रनिंग लिस्ट भी आएगी, उनका रनिंग एडमिट कार्ड आएगा, उन्हीं के साथ आपकी हो सकता है कि दोनों फेज की रनिंग लिस्ट जो है, जो क्वालिफाइड किए हैं और जो डिसक्वालीफाइड किए हैं उनकी लिस्ट दोनों साथ ही आए, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसके अंदर। और फाइनल भर्ती की अगर मैं बात करता हूँ तो साल के अंत तक ही हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर अभी स्कैम आते जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं लोग बाग, तो इस वजह से और भी आपको टाइम लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भर्ती बोर्ड की पल पल अपडेट से अपडेट रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।